नमस्कार बच्चों, मैं नीलू महिकवार, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमरा, जिला दुर्ग से। आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ भारती कक्षा छठवीं हिंदी के पाठ 19 हार की जीत लेकर आई हूँ, जिसे कि श्री सुदर्शन जी द्वारा सृजित किया गया है। बच्चों, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बाबा भारती के मानवीय मूल्य और उनके उच्च विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। और आप इस कहानी में यह भी देखेंगे कि किस तरह से डाकू खड्ग सिंह का जो हृदय है, वह बाबा भारती के एक वाक्य से उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। पाठ 19 हार की जीत। बच्चों, आप देखेंगे इस कहानी में, या आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको देखकर जो है उसकी माँ जो है देखकर बहुत खुश होती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, या किसान जो है वह अपने लहलाते खेत को, जहाँ पर बहुत अच्छी उपज होती है, हरियाली होती है, उस खेत को देखकर जितना खुश होता है, उतना ही बाबा भारती जो है अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे, आनंदित होते थे। बाबा भारती नाम का एक साधु था और उसके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था। तो बच्चों, जो बाबा भारती है उसके घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान था, ठीक है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर था, फुर्तीला था और बड़ा ही ताकतवर बलवान था। बाबा भारती जो है उस घोड़े से बहुत ही स्नेह करते थे और उसकी जो है हमेशा हर समय एक अपने पुत्र के समान सेवा करते थे। बाबा भारती अपने हाथ से खरहरा करते अर्थात उसे कंघी करते, खुद अपने हाथों से उसे दाना पानी खिलाते और उसे देख देख कर स्वयं ही आनंदित होते, प्रसन्न होते। बच्चों, आप देखते होंगे कि आपके घर में भी आपके माता पिता, जब आप छोटे होते हैं उनके बच्चे, तब उनके जो बाल क्रीड़ाएँ हैं उसको देखकर जिस प्रकार से खुश होते हैं माता पिता, उसी प्रकार से जो है बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देखकर हमेशा खुश होते थे। अपने गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में वे रहते थे और जो भी समय उनके पास बचता था उसमें वह भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। बच्चों, यहाँ पर सुल्तान कौन है? उसके घोड़े का नाम है। एक दिन सुल्तान के बारे में सुनकर उस इलाके का डाकू खड्ग सिंह बाबा भारती के पास आया, क्योंकि जो घोड़ा है ना सुल्तान, वह बहुत ही क्या था, बलवान ताकतवर था। अब उसकी जो यश कीर्ति है वो चारों ओर फैल गई थी, तो उसके इस यश कीर्ति को सुनकर जो है डाकू खड्ग सिंह भी उसके पास आया और उसको देखने के लिए उसका जो मन है बहुत ही व्याकुल हो गया, अधीर हो उठा। और डाकू खड्ग सिंह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँच जाते हैं। अब बाबा भारती ने जो है गर्व के साथ खड्ग सिंह को अपना घोड़ा दिखाया और उसके गुणों का वहाँ पर उन्होंने उसके सामने बखान किया, उसकी विशेषताओं को बताया। क्या क्या विशेषताएं बताई उन्होंने? कि जो सुल्तान है वह विचित्र जानवर है, और उसने और क्या कहा कि देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। आगे उसने और क्या बताया उसके बारे में? उसने कहा कि क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस प्रकार से बाबा भारती ने खड्ग सिंह के सामने उसकी बहुत गर्व के साथ प्रशंसा की। अब जो है खड्ग सिंह जो है घोड़े की चाल को देखकर आश्चर्य करने लगा। क्यों आश्चर्य करने लगा? क्योंकि वह इतना सुंदर और ताकतवर घोड़ा उसने आज से पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, ठीक है। अब जो खड्ग सिंह है वो तो था एक डाकू, है ना। अब डाकुओं की एक प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ उनको पसंद आ जाती है एक बार देख लेते हैं, उसको हमेशा वो हासिल करना चाहते हैं। अब बाबा के जो भाग्य है उससे उसको क्या होने लगी? ईर्ष्या होने लगी, उसको जलन होने लगी और वह सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। आप वहाँ जाते जाते उसे कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब जो है खड्ग सिंह के इस बात को सुनकर बाबा जो है बहुत डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आने लगी, क्योंकि अब उसको चिंता सताने लगी कि कब जो है खड्ग सिंह क्या करेगा, सुल्तान को ले जाएगा। अब जो है बाबा सारी रात जो अस्तबल है, अस्तबल किसे कहेंगे,
जो घोड़े बांधने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। तो बाबा भाती जो है अब सारी रात जागकर अस्तबल की रखवाली करने लगे, परंतु क्या हुआ आगे कि कई महीने बीत गए, जो डाकू खटग सिंह है वह आया ही नहीं। अब बाबा भारती जो है कुछ क्या हो गए, असावधान हो गए। असावधान क्यों हो गए, क्योंकि बहुत समय बीत गया था, वो खटग सिंह उसे लेने के लिए आया ही नहीं। इस प्रकार से धीरे धीरे जो बाबा भारती का जो डर है, भय है, वह क्या हो गया, समाप्त तो होने लगा, और उसको एक क्या लगने लगा, स्वप्न सपने के समान ही झूठ लगने लगा। अब एक दिन शाम के समय वे घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे, बाबा भारती है ना, लेकिन अचानक से एक आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। बच्चों ये किसकी आवाज़ हो सकती है, क्या आप बता सकते हैं किसकी आवाज़ हो सकती है? चलिए देखते हैं किसकी आवाज़ हो सकती है। अब उस आवाज़ में बहुत करुणा थी। अब बाबा ने क्या किया, घोड़े को रोका और रोकर देखा, क्या देखा कि एक जो दिव्यांग जो है वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ है वहां पर, और वह दर्द से कराह रहा है ना, वह दुख है। तो बाबा के पूछने पर उसने क्या कहा कि वह राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। और उसने क्या कहा कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, तुम्हारा जो है ईश्वर परमात्मा क्या करेगा, भला करेगा। अब उसकी बात को सुनकर बाबा भारती ने क्या किया, घोड़े से उतरकर उस दिव्यांग को घोड़े पर क्या कर लिया, सवार कर लिया, और स्वयं की लगाम पकड़कर धीरे धीरे वो चलने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ, क्या हुआ होगा बच्चों, क्या दोनों में दोस्ती हो गई होगी, या कुछ वो अच्छी बातें कर रहे होंगे, बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। अब अचानक से एक उसे झटका लगा है ना, और जो लगाम है उसके हाथ से छूट गई। अब यहाँ पर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, किसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, बाबा भारती के। बताइए बच्चों क्या आश्चर्य देखा होगा उन्होंने, क्यों आश्चर्य इस तरह से उन्होंने प्रकट किया होगा। उसने देखा कि घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, कौन दौड़ाए लिए जा रहा है, कौन दौड़ा रहा है उस घोड़े को, खटगसी। अब बाबा भारती ने उसे रोकना चाहा, बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं रुका। अब बाबा ने उससे फिर कहा कि तुम किसी को इस घटना के बारे में मत बताना। क्यों कहा होगा बच्चों उन्होंने ऐसा, कि इस घटना को किसी भी व्यक्ति को मत बताना, बताइए। ऐसा इसलिए कहा, क्यों कहा, क्योंकि बाबा भारती ने आगे कहा कि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो जो है किसी भी गरीब इंसान पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि खटगसी ने बाबा भारती के साथ क्या किया, छल किया है ना। अब यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, किसने, बाबा भारती ने, जैसे उनका उससे कोई भी कभी भी कोई भी संबंध ना रहा हो। अब इस तरह से डाकू खटगसी जो है वो सोचने लगा, और कि जो अपने सुल्तान के बिना रह नहीं सकते थे, आज उनके ना साथ ना रहने पर भी जो है बाबा भारती के चेहरे पर वो कोई मायूसी नहीं है, चिंता की कोई लकीर नहीं है उसके चेहरे पर, वह उसको बार बार रह रहकर सोचने लगे। और उनकी वह वाक्य उसको याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना को किसी को ना बताना, नहीं तो कोई भी गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। तब उसे अंत में अपनी गलती का एहसास होता है, और वह सोचता है कि बाबा भारती का जो मन है, हृदय है, वो कितना है, साफ और पवित्र है। अब जो है रात्रि के अंधकार में जो खटगसी है बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। मंदिर में क्यों पहुंचा होगा बच्चों, बताइए, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ क्या छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे थे। अब जो खटगसी है सुल्तान की जो है बाग पकड़े हुए था, अब अस्तबल का जो फाटक है वो खुला पड़ा हुआ था। क्यों खुला पड़ा हुआ था, क्योंकि अब चोरी का या किसी डाकू का वहाँ पर कोई भी भय नहीं था, क्योंकि सुल्तान को कौन ले गया था, खटगसी ले गया था। इसलिए बाबा भारती ने उस अस्तबल के जो दरवाजे हैं उसको खुले छोड़ दिए थे। आप किसी समय बाबा भारती जो है स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे पहले है ना, परंतु आज उसे किसी भी चोरी या किसी भी डाके का कोई भी उसके अंदर
भय नहीं था। अब खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फिर से उस फाटक को बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों से क्या निकल रहे थे, नेकी के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब जो है बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से पहले उसने स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, बच्चों आप देखते हैं ना कि कई लोग जो है स्वप्न में रात में चलते हैं, उसी प्रकार से ही यहाँ प्रतीत हो रहा था। और उनके जो पांव हैं वो अस्तबल की ओर बढ़ रहे थे, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल जो है क्या हो गई, प्रतीत हो गई, है ना, उसका उसको भान हो गया। अब साथ ही घोर निराशा भी हुई। निराशा क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर तो सुल्तान है ही नहीं। अब उसने अपने पांवों को मन भर का भारी बना लिया और वे वहीं पर क्या हो गए, एकदम से रुक गए। अब घोड़े ने, है ना, अपने स्वामी के पांवों की जो चाप है उसको क्या कर लिया, पहचान लिया, और वह जोर से क्या किया, हिनहिनाया। फिर अंत में क्या हुआ, इस प्रकार उसके देखा कि सुल्तान तो यहाँ पर आ चुका है। अब वो अंत में उसे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो खड्ग सिंह है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह सुल्तान को यहाँ पर छोड़ गया है। और अंत में संतोष से वह बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। तो बच्चों, हमने इस कहानी के माध्यम से देखा कि बाबा भारती का अपने घोड़े सुल्तान के प्रति जो है एक पुत्रवत स्नेह था, और वह उसे जानवर समझकर स्नेह या उसकी देखभाल नहीं करते थे, वह उसे अपने एक पुत्र के जैसे ही उसकी हमेशा वह सेवा करते थे, उसकी देखभाल करते थे। हमने यह भी देखा कि बाबा भारती के कहे गए उस एक वाक्य से जो है उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और यहाँ पर खड्ग सिंह अपने आप को वहाँ पर तुच्छ समझने लगता है उसे, और अपने आप से उसे घृणा भी होने लगती है। तो बच्चों, हमें भी बाबा भारती की तरह ही हमेशा जो है गरीब व्यक्ति हैं, बेजुबान पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसे सभी की हमें निस्वार्थ भाव से हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमें ऐसा अवसर कभी भी मिलता है तो ऐसे अवसर को जिसमें हम किसी गरीब असहाय या बेजुबान पशु पक्षी जानवर की सहायता करने का अवसर मिलता है, तो हमें इस अवसर का हमेशा भरपूर उपयोग करना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से ही ऐसे कार्य करने चाहिए, और ऐसे किए गए निस्वार्थ भाव के कार्य का जो फल है वह भी हमेशा मधुर परिणाम हमें देता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह जो कहानी है बाबा भारती और खड्ग सिंह का, यह आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी ने इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा अपने जीवन के लिए अवश्य लिया होगा। और आपको जब भी ऐसा कोई अवसर आएगा तो आप इस कहानी से अवश्य प्रेरित होकर जो है कुछ अच्छे कार्य अपने जीवन में अवश्य करेंगे। आइए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं विचार अभिव्यक्ति की ओर। बच्चों, चलिए बताइए कि यदि बाबा भारती और खड्ग सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, बताइए बच्चों, बताइए जल्दी से, सोचिए कि यदि बाबा भारती और खड्ग सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी। अच्छा, देव कह रहे हैं कि जो खड्ग सिंह हैं वो बाबा भारती से माफ़ी मांगेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी भी सोचिए देव की तरह कि आपको क्या लगता है और बताइए। अच्छा, त्रिवेणी कह रही है कि वह बाबा भारती जो है खड्ग सिंह से पूछेंगे कि उसने उसके साथ छल कपट क्यों किया। बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरह से बाकी बच्चे भी सोचिएगा कि बाबा भारती और खड्ग सिंह की मुलाकात अगर अगली बार कहीं होती है तो उनके बीच में और क्या क्या बातें हो सकती है। हो सकता है कि अगली मुलाकात में हमको ये भी देखने मिले कि जो डाकू खड्ग सिंह है वो उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में कुछ परिवर्तन आ गया हो, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि आपको इस कहानी का कौन सा जो पात्र है वो सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, बताइए जल्दी। अच्छा, आयुष कह रहे हैं कि मुझे तो बाबा भारती का
जो पात्र है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उसका मन क्या था, सच्चा था। चलिए बाकी बच्चे भी सोचिएगा। अच्छा, त्रिवेणी कह रही है कि बाबा भारती का पात्र मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर छल कपट की कोई भी भावना नहीं थी। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है बच्चों। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहेंगे? जहाँ पर हम बहुत सारे शब्दों के बजाय हम क्या करते हैं, किसी एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसका अर्थ प्रभावशाली तरीके से बेहतर होता है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल हम लोग जहाँ पर पशु पक्षी या जानवरों को दिखाने के लिए पिंजरे में बंद करने के लिए रखा जाता है, वहाँ गए थे, ठीक है बच्चों। और अगर मैं ये कहूँ कि कल हम लोग चिड़ियाघर गए थे, तो बताइए बच्चों, इन दोनों वाक्यों में आपको कौन सा अच्छा लगा, बताइए। अच्छा, दूसरा वाला, बिल्कुल। तो यही क्या है बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चिड़ियाघर, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों, जो है हम अनेक शब्दों के बजाय जो है एक शब्द में हम चीज़ को बताते हैं, तो वह क्या होता है, प्रभावशाली होता है, और वह हमें लिखने और बोलने में भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रशंसा करने वाला क्या कहलाएगा? प्रशंसक। अब प्रशंसा किसे कहेंगे? प्रशंसा करने वाला, उसे क्या कहते हैं? प्रशंसक। घोड़े बांधने का स्थान, अस्तबल। अब अस्तबल, अस्तबल किसे कहेंगे? घोड़े बांधने का स्थान। इसी प्रकार से घोड़े पर सवारी करने वाला, घुड़सवार। घुड़सवार किसे कहेंगे हम? घोड़े पर सवारी करने वाला। जिसका अंग भंग हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? दिव्यांग। तो दिव्यांग शब्द से हमको क्या समझ में आ रहा है, कि जिसका अंग भंग हो गया हो। चलिए बच्चों, अंत में अब आपके लिए एक गृह कार्य है, उसे हम देख लेते हैं। आप सभी इसे लिख लीजिएगा। मनुष्य और पशु के बीच प्रेम को पाठ में प्रमुखता से दिया गया है, ठीक है बच्चों। आपने देखा इस कहानी में, आप जो है इंटरनेट या अन्य माध्यम से अन्य कहानी, ठीक है बच्चों, अन्य और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें पशु प्रेम की कहानियाँ होंगी, उसे आपको ढूंढना है और उसे लिखना है। यही आपका गृह कार्य है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।